जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, है बिके फिर हजरत है अभी भी अजमी रहमतुल्लाह ताला बिक गए हजरत। जब बिके ना तो आपके पीरो मुर्शिद ने आपको तलकीन किया इस्मे ज़ात अल्लाह। क्या तलकीन किया? वाह जी वाह, मेरा मेरा घंटा जाया ही है। क्या तलकीन किया? क्या तलकीन किया? क्या तलकीन किया? क्या तलकीन किया? ठीक है जी। हाँ फरमाया बीबी अजमी अब अल्लाह पकड़ना है। अली फला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई नफी इस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई बूटी अंदर मुश्क मचाया जहां फलन ते आई हूं जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जे बूटी लाई हूं है नारब अर्श मुअल्ला उत्ते नारब खाने काबे हूं गंगा तीरथ मूल न मिलिया पेंडे बेहिसाबे हूं नारब इलम किताबी लब्बा नारब विच महराबे हूं जददा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब बजावे हूं हाय हाय है ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूं ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं जोदम गाफिल सोदम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूं जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हूं हाय 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 हाय। आप बैठिए हजरत और दुआ करना हजरत जी अल्लाह अमीरी के बाद फकीरी की आजमाइश में न डाले। बड़ा औखा काम है भाई, और भाई परौंठे खाने की आदत पई हो तो सुखियां किधे को लंघ दी होंगी। बड़ा पहले ही तू ने है करी लुकमाए तर खिलाए के बड़ा औखा काम है औखी कौट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बहना है। आ गई आजमाइश हजरत तो हजरत ने तो सबर शुक्र किया ना। एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन छह दिन गुजरे तो बीबी साहब आके ना आपसे लड़ पड़ी मिजाजन थोड़ी तलख थी। हाँ कहती हैं बीब ये क्या तस्वीर लेके बैठे रहते हो, हमसे नहीं मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो को पैसे कमा के लाओ हम भी को तरन वाला खाएं। ठीक है जी, दाना आदमी थे जरा। हाँ बीवी से कोई बहस नहीं की, तस्वीर मुसल्ला लोटा कुरान पाक लिया और जंगल चले गए। सूफी तो दर्जी पहले रो रो के दुआएं करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तनाई हो फिर तो खलवत में अजब बंजू मनाराई हो ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। सूफी तो पहले दुआएं मांगते हैं, दुआ कबूल हुई घर में तो फिर बचे थे ना। अब फरमाते हैं वहां जाके ना सारा दिन मजे के साथ अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते सारा दिन अल्लाह अल्लाह किया, रात पड़ी तो घर आ गए। अब फरमाते जब घर आया तो बीवी ने सबसे पहला सवाल यही किया, हबीब मजदूरी की दिहाड़ी लगाई है? फरमाते मैंने कहा हाँ की मजदूरी में। तो बीवी पूछती अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी? आ फरमाते मैंने टाला। मैंने कहा नहीं सारे मजदूरी मांग रहे थे लेकिन मैंने जिसकी मजदूरी की ना मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते शर्म आ गई। हाँ करीम है तो क्या आपको, आप समझते हो उसको नहीं पता रातों को क्या करते हैं? लेकिन भाई वो करीम है, एक गुनाह जो माँ प्यो देखे देवे देश निकाल है, करीम है हजरत। उससे क्या छुपाया हजरत, रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी वमा नुनी वमा यख्फा अल्लाहु मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस सम। क्या तुम समझते हो उस जात को नहीं पता हम वो एक छत और चार दीवारों के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं उसको नहीं पता, हम अपने मोबाइलों पे क्या क्या कर रहे हैं उसको नहीं पता, लेकिन क्या है पर्दे फावड़ वाला। हाय हाय हाँ लेकिन बस हजरत जी एक बात कहूंगा भाई खुदा दा वास्ता जी कितने कुछ इंज दाना कर छड़ियो के काम खराब हो जाए। हाँ हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के दौर में ना एक चोर पकड़ा गया, सदा इसका हाथ काट दो मुख्तसर करूंगा। वो रो पड़ा जी मुझे एक दफा अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में ले जाओ, मुख्तसर कर रहा हूँ। उसको लेके आए वो कहता है हुजूर मन छड़ दे। आपने फरमाया तूने चोरी की? जी। पकड़ा भी गया? जी।
तो फरमाया फिर किस तरह छोड़ दूं? कहता है हुज़ूर इसलिए छोड़ दें कि मैंने आज पहली बार चोरी की है तो पकड़ा गया। तो लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन रो पड़े। आपने फरमाया तू झूठ बोलना, पहली बार पढ़ता ही नहीं है, तू झूठ बोलना है, वो तो पहली बार पकड़ता ही नहीं। अगर वो पहली बार ही पकड़े फिर तो बचे ही कोई ना हजरत पाक लोगों को निकाल के, अगर वो पहली बार ही पकड़ ले फिर तो हजरत जी बचे कोई ना पाक लोगों को निकाल के। हाँ वो कब पकड़ता है? जब हजरत पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है। हाँ बस इतना ध्यान रखना, खुद को इतना तुरमखाना समझ लेना कि मैं पता नहीं क्या हो है। हाँ सिर्फ इतना समझना उसने हमारी रस्सियां दराज कर रखी, जब पकड़ने पे आए तो इन्ना बच्चा रब्बी का लशदी, वो नहीं पकड़ता हजरत, करीम है वो। या युहल इंसानु मा गर्रा का भी रब्बी कल करीम, करीम है हजरत जी, करीम है वो। हाँ करीम है वो। वो बीवी कहती है अच्छा चले कल मजदूरी मांगिएगा, चलो दो दिन के जरा ज्यादा पैसे आ जाएंगे। अब फरमाते अगले दिन फिर चला गया, फिर उसी तरह हजरत वो जंगल और तन्हाई है, फिर उसी तरह जुबान पे शुरू हुआ अल्लाह 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 अल्लाह। भाई जी शर्म छड़ के कारी लोग की जानता है अल्लाह अल्लाह। सारा दिन अब हजरत बड़ी ताकत है इस नाम ने, सारा दिन अल्लाह अल्लाह किया, रात पड़ी तो फिर घर आ गए। बीवी फिर पूछती है बीब एवेले बह आए को काम ही करके आए? अब फरमाते मैंने कहा कल से भी ज्यादा किया है। तो कहती है अगर कल से भी ज्यादा किया तो फिर पैसे? अब फरमाते मैंने टाला नहीं, सारे मांग रहे थे। हाँ जी इसमें भी बड़ा राज है, आशिकों के बड़े अंदाज होते हैं। मैं हजरत जब लाहौर पढ़ता था ना तो वहाँ एक हमारे बुजुर्ग थे, उनकी प्रेस थी, किताबत करते थे। तो आपको मैं हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए उनके पास जाया करता था। तो उनको हुज़ूर गौसे पाक से बड़ी मोहब्बत थी, उन्होंने अपनी उस गली का नाम भी रखा होता कूचा गौसिया। वो हर माह 11वीं शरीफ भी दिलाते थे। तो एक दिन 11वीं शरीफ ही थी तो कोई उनके दोस्त ही हैं तो अपने पीर साहब को भी ले आए उस 11वीं शरीफ पे ना। वो ख़त्म हो गई तो बाद में दुआ के लिए हाथ उठाए गए, दुआ हो गई, खाना खाया, बाद में हमारी फिर पर्सनल सी। उसके बाद ना जो दुआ हुई मुझे पहले दिन, उस दिन पता चला कि वो जो कादरी साहब है ना उनकी औलाद नहीं कोई भी। वो जो दोस्त है ना अपने पीर साहब को लेके आए, उन्होंने बाद में फिर कहा जनाब कादरी साहब की दुआ फरमाना दी औलाद कोई नहीं। पीर साहब ने भी हाथ उठाए, हमने भी उठा दिया, कादरी साहब ने नहीं उठाए। मैं लातिफले मकतब मकतब तब भी था आज भी हूँ, मुझे भी गुस्सा लगा यार कादरी साहब ने इस तरह नहीं करना चाहिए, पीर साहब ने हाथ चुके ना चुकने चाहिए सर। पीर साहब को भी उस बात का गुस्सा लगा और उन्होंने जाते हुए अपने गुस्से का इजहार भी किया कि कादरी साहब से सलाम नहीं ली, इस तरह चले गए। खैर उस दिन तो बात नहीं हुई, अगले दिन जब मैं गया ना वो खत ठीक करने के लिए, मैंने कादरी साहब से पूछा मैं हजूर कल चंगी नहीं की थी, तुझे की होया? मैं पीरा ने तुम्हारी औलाद की दुआ वास्ते हाथ चुके ने, तुम हाथ ही नहीं चुके है। अब जरा सुनना हजरा जी मुझे मांगते हुए शर्म आती है। हाँ आशिकी बाबा जी दुनिया वखरी है, इसके उसूल वखरे हैं, इसके कवायद वखरे हैं, इसके कवानीन वखरे हैं, ये यूनिवर्सिटी वखरी है हजरा जी। हाँ मुझे कहते हैं ओए काके मुझे गलत दस, मैं जनाब जी औलाद नहीं तो किसी मर्जी ना नहीं, मैं जनाब अल्लाह की मर्जी ना। फरमान लगे फिर मैं कौन कुत्ताओं की मर्जी के खिलाफ हाथ चुकना? तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या ना किया यार, है ऐसे मर्जियां करी आओ बस ना पता, अपनी मर्जियां ना करो, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम दी मर्जियां के सामने सर तस्लीम खम कर दो। ओ जाओ जी विक जाओ, वह बड़ा नफे का सौदा जे वो गमकोल शरीफ देखा नहीं, वह बिकई तो थे वो है जिंदा पीर अहमदुल्ला बिकई तो थे, कैसी रौनक लग गई उस वीराने में, कैसी रौन कैसा शहर आबाद हो गया, ये बिकने की बरकतें हैं हजरत हैं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, बिक जाओ। वो फरमाते हैं बीवी कहती है फिर पैसे? फरमाते हैं मैंने कहा मुझे मांगते हुए शर्म आ गई है। तो बीवी साहब थोड़ा गुस्से में आके कहती बीब मुझे तू कल जाओगे ना तो जाके काम नहीं शुरू करना पहले, हाँ पहले दो दिन के पैसे लेने ही नहीं, अगर तो दे तो फिर उसका काम करना नहीं तो किसी और का करना जाके। हाँ ये हजरत जी को सूफी समझेगा ये तीर किस तरह लगता है इधर आके है। बुल्ले शाह साहब ने कहा था ना सोने मिलन हजारा असा नहीं यार हो चाहे, वो हम ही है 5 रुपए के लिए रब रब के रसूल को छोड़ देते हैं, यही है जिन्होंने गर्दने उतरवा दी लेकिन यार का दर नहीं छोड़ा। सोने मिलन हजारा।
असा नहीं यार बटाना। अफरमाते मैं सारी रात सिसकियां लेता रहा, उसने कह क्या दिया है, कहां जाऊं उसका दर छोड़ के, है को ऐसा करी है। हैरा फरमाते रात गुजारी, तीसरा दिन आया मैं फिर चला गया, सारा दिन फिर उसी तरह अल्लाह। अफरमाते सारा दिन उसी तरह गुजारा, रात पड़ी तो घर आ गया। अफरमाते जब घर के करीब आया ना तो बड़ा परेशान, ओ हबीब वो दो दिन तो टाल लिया, अब उसे क्या कहना है, क्या बहाना लगाना है, पता नहीं आगे से क्या बोलेगी, कुछ ऐसा ही ना कह दे जो मुझसे बर्दाश्त ही ना हो, जो मुझसे सुना ही ना जाए, मेरे महबूब की कोई बेअदबी ना कर दे। अफरमाते मैंने कहा चलो बाहर ही बैठ जाओ, घर उस वक्त जाऊंगा जब सो गई होगी, दीवार फलांगूंगा घर चला जाऊंगा, रात तो गुजारो ना, कल कल देखेंगे। हाय हाय अफरमाते बाहर बैठ के फिर शुरू हो गया उसी तरह, ठीक है जी अल्लाह अल्लाह कर लो। हाँ क्योंकि हजरत मजा नहीं दे रही, इसलिए मैंने भी अब नहीं करना कोई, इतने बंदे बैठे तो हम तो चाहिए कि कैफो मस्ती तारी हुए थे। वो अफरमाते हैं मैं सारा बैठ के न करता रहा, अफरमाते हैं वो जब आधी रात हुई ना तो मैं घर आ गया, लेकिन अफरमाते जब घर आया तो घर का सारा मंजर बदला हुआ, घर से धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, आधी रात को फकीर के घर चूल्हा कैसे जल रहा है, ये क्या हो गया। अब तो दीवार फलांगने का सवाल ही नहीं था, अब तो सीधे जाना था। अफरमाते मैंने दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, अफरमाते बड़ी खुश, कपड़े भी नए पहन रखे हैं। अफरमाते मैं हैरान हुआ ये इतनी खुश क्यों है, और इसने कपड़े नए कहां से लिए। फरमाते सवाल तो मैंने खुद से किया लेकिन जवाब वो देती है, कहती है बीब भाई तुम किधे कल काम कर दे रहे हो, तुम्हारा मालिक तो वाकई बड़ा करीम है, आपका मालिक तो वाकई तन बड़ा करीम है। अफरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कहती अंदर आके खुद ही देख ले। अफरमाते जब अंदर जाके देखा तो जिस जिस चीज की जरूरत थी ना सबके ढेर लगे। हाय और रो के कहती है आप तो काम कर रहे थे ना, आज आपने ज्यादा काम भी किया, आपका मालिक इतना करीम है आपको उसने परेशान नहीं किया, ये बंदे भेजे थे सारा कुछ वो देखे गए हैं। हाय अफरमाते मैं रो पड़ा, तो अफरमाते जब मैं रो पड़ा तो मुझे देखकर कहती है रो ना, आहो खाली सामान नहीं आया साथ पैगाम भी आया है। अफरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या आया है, तो कहती पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम मजदूरी में नहीं आने देंगे, तू काम में कमी ना आने देना, हम मजदूरी में नहीं आने देंगे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। आज वक्त है हजरत, आज वक्त है, अपना वक्त जाया न करो, सारे नमाज की पाबंदी करो, इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़ूंगी, ठीक है जी इंशाल्लाह। वो पढ़ के तो देखो यार, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है देता है आदमी को हजार सजदों से निजात। आज वक्त है, अपना वक्त जाया न करो, अपना वक्त जाया न करो, खूब जो है ना वो खूब तो खूब जो है ना वो खूब अल्लाह अल्लाह करना है, ठीक है जी खूब अल्लाह अल्लाह करना। आज जुबान चलती है भाई, इसको चला लो, इसको आखिरी बात बस मैं करके गुफ्तगू खत्म। हाँ वक़्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला, हाँ हज़रत ये हज़रत इमाम बाकर के मुरीद हैं। जब इमाम बाकर को पाबंद सलासल किया गया ना तो ये अपने मुर्शिद इमाम बाकर रहमतुल्लाह ताला से मिलने गए। सूफिया ने लिखा है कि इमाम बाकर रहमतुल्लाह ताला ने बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला को ना लफ्ज़ जीम लिख के दिया, क्या लिख के दिया लफ्ज़ जीम। अब इसमें सूफिया ने बड़ा कलाम किया है कि जीम से क्या मुराद थी, पर कुछ ने लिखा है कि जीम से मुराद थी जज्ब, और दीवाना हो जाओ बहलोल तो फिर हजरत बहलोल फिर दीवाने ही हुए जज्ब। सारी जिंदगी उस मर्द कलंदर पे जज्ब तारी रहा। वो लिखा है कि एक रोज ना
हजरत बाजार के वस्त में बैठे थे, जज़्ब तारी था बाबे पे, तो क्या करते थे, जमीन पे लकीरें खींचते थे और फिर ना ना कह के खुद ही मिटाते थे। तो असर का वक्त था तो हारून उर रशीद सैर के लिए निकला, तो जब हारून का गुजर हुआ ना तो हारून की नजर हजरत बहलोल पे पड़ी, तो बड़ा हैरान हुआ, वो ये तो वीरानों में रहने वाला है, ये बाजार क्या करने आ गया। तो उसने वो काफिला रुकवाया, तो पर्दा उठा के ना अपने कुजावे का पर्दा उठा के हजरत बहलोल को मुखातिब करके कहता है, बहलोल वो खैर तो है, आज तू बाजार में क्या करने आ गया, तो तू तो वीरानों में रहने वाला है, तू तो दीवाना है, बाजार में क्या करने आया। तो जरा सुनना हजरत, हजरत बहलोल ने क्या राज बताया। आपने फरमाया, हारून मैं मखलूक दी ते मालक दी सुलह कराना आया। और हजरत जी दुख की बात है, आज कभी हमें भूल के भी ख्याल नहीं आया कि यार मेरा अल्लाह और मेरे अल्लाह के रसूल मुझसे राजी हैं कि नाराज हैं, कभी भूल के भी ख्याल नहीं आया। अब फरमाते मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवाने हैं, भाई पैसा था ना, बादशाहत थी, फकीर की बात समझ में नहीं आई। तो पूछता है बहलोल फिर सुलह हुई कि नहीं हुई। तो हजरत बहलोल रोकर फरमाने लगे, आपने फरमाया हारून आज वो तो मानता है ये नहीं मानते, आज वो मानता है, वो मानता है लेकिन ये नहीं मानते। वो लिखा है कि वक्त गुजर गया, फिर एक दिन हारून सैर के लिए निकला तो क्या देखा, हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं, वही हालत है, जमीन पे लकीरें खींचते हैं और फिर खुद ही मिटाते हैं। बड़ा हैरान हुआ उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। पूछा बहलोल खैर तो है उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। आपने फरमाया हारून बस जगह ही बदली है, काम वहां भी जो कर रहा था यहां भी वही कर रहा, वहां भी बैठा मखलूक और मालक की सुलह करवा रहा था, आज यहां बैठा भी मखलूक और मालक की सुलह करवा रहा हूं। बात याद आ गई। पूछा बहलोल उस दिन तो नहीं हुई थी, आज भी हुई कि नहीं हुई। तो आगे से हजरत बहलोल ने जवाब क्या दिया, आपने फरमाया हारून आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता, आज वक्त है हजरत, आज मना लो उसको, आज मना लो उसको, वो मानता है हजरत, आज मना लो उसको। और हजरत जी सरगी उठिया कब, तुम की दसा सरगी की लगता है हजरत, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा। सरगी हजूर का दरबार लगता है, और चलिया तू दूर है, हो नहीं दूर कोई है, तू दूर कर छड़े, हो नहीं दूर कोई, उठ और फैला चोली उड़ानी बार कर, मंग फिर की मंगने, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा, वमा अलैना इल्ला अल बलाग।